हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक रॉक। और एक नया वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों अभी जैसे कि देख पा रहे हैं, मेरा पास है सैमसंग का डबल डोर रेफ्रिजरेटर, सबसे लेटेस्ट रेफ्रिजरेटर आप लोग के लिए लेके आया हूँ मैं, जिसमें कि वर्ल्ड का फास्ट रेफ्रिजरेटर होगा, जिसमें आपको कोल्ड मेकिंग भी कर सकते दोस्तों। फ्रिज में पहली बार आप दही भी बना सकते हैं इस डबल डोर रेफ्रिजरेटर में। आप घर का 3 से 4-5 मेंबर है तो इस डबल डोर को यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं, टोटल इसको डेमो करते हैं। गाय जी आपको 2-स्टार रैंकिंग में देखने के लिए दोस्तों मिल जाता है। फ्रेंड्स ये 2-स्टार होने से पर ईयर जो इलेक्ट्रिक कंजप्शन है 258 यूनिट पर ईयर इलेक्ट्रिक कंजप्शन करेंगे। इसका मॉडल नंबर का बात करेंगे तो RT3040T4632R है। फ्रेंड्स इसका जो ग्रॉस वॉल्यूम है 314 लीटर का है और स्टोरेज वॉल्यूम है 288 लीटर का है। फ्रेंड्स ये आपको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का कंप्रेसर मिल जाता है जो कि बहुत कम इलेक्ट्रिक कंज्यूम करता है। इसमें आपको घर का इन्वर्टर में भी आप कनेक्ट करके चला सकते हैं दोस्तों। ये इन्वर्टर कंप्रेसर आप जो देख रहे हैं ये साउंडलेस रहेगा। इसमें आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 100 से 300 वोल्ट तक इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएट होगा तो ये फ्रिज आपको कंट्रोल करेगा। फ्रेंड्स 21 ईयर्स का रिलायबिलिटी बाई टेस्टेड बाई वीडियो कंपनी है, इसको सर्टिफाई करके दिया हुआ है। 21 ईयर्स तक इसको आप चला सकते हैं। इसका कंप्रेसर का ड्यूरेबिलिटी है। और गाइस इसको आप डिजिटल कंट्रोल पैनल आपको बाहर तरफ से मिल जाता है, जो कि फ्रिज नहीं खोलना पड़ेगा, आप बाहर से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें आपको 5-in-1 कन्वर्टेबल फीचर्स भी मिल जाता है, जो कि 5 तरह का कन्वर्ट भी इसमें आपको कर सकते हैं। फ्रिज को अपना अकॉर्डिंग हिसाब से इसको आप यूज कर सकते हैं। इसका अंदर सेक्शन को देख लेते हैं आपको क्या क्या मिल जाता है। फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह का लुक्स आपको फ्रीजर सेक्शन में मिल जाता है। इसको भी कन्वर्ट करके भी, मिनी फ्रीज करके भी आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। ट्विन कूलिंग सैमसंग का ये पैटर्न टेक्नोलॉजी है, जो कि एक कंप्रेसर रहता है, 2 इवेपोरेटर रहता है, जो कि सेपरेट चैम्बर को सेपरेट कूलिंग रहता है। इसका ऑर्डर मिक्सिंग नहीं होगा आपको फ्रिज में। ऊपर सामान में मान लो कुछ रखा है सामान, तो नीचे भी कुछ सामान रखा है तो उसका और स्मेल जो मिक्सिंग हो जाता था, इसमें आपको वो चीज़ नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें आपको ट्विन कूलिंग हुआ है दोस्तों। ये आपको अप टू 31% भी आइस मेकिंग देखने के लिए मिल जाएगा, और अप टू 12 आवर कूलिंग रिटेंशन भी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। अपना यूज हिसाब से आपको कूलिंग बैकअप मिल जाएगा। फ्रेंड्स चलिए इसका फ्रीज सेक्शन को देख लेते हैं। इधर आपको एक फ्रेश रूम मिल जाता है। गाइज इसका आपको फ्रेश रूम देखने के लिए भी इधर मिल जाता है एक फ्रेश रूम, जो मिल्क आइटम हो गया कि नॉन वेज आइटम हो गया, इसमें जितना कूलिंग चाहिए आपको उतना कूलिंग वो प्रोवाइड करता है, जो कि इसमें 0 डिग्री टेम्परेचर रहता है। अपना अकॉर्डिंग हिसाब से इसमें आपको कुछ भी सामान इधर रख सकते हैं। जो बोल रहा था 2 टाइम आपको लॉन्गर फ्रेशनेस मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको 2 इन कूलिंग मिल जाता है। फ्रेंड्स अब नीचे भी एक देख सकते हैं, नीचे भी एक 2 इन कूलिंग देखने के लिए मिल जाएगा। ये ऊपर आपको एक टफन ग्लास का साथ ही आपको मिल जाता है एक रैक, और नीचे भी और एक रैक। ये दोस्तों जो टॉप 1000 ग्लास है 175 केजी तक इसमें आपको वजन सा बांध सकता है, क्योंकि ये टफन ग्लास मिल जाता है। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, इसमें आपको कार्ड बना सकते हैं, जो कि 2 टाइप का इसमें आपको कार्ड बना सकते हैं। 1 लीटर इसमें 2 स्टोरेज करके, जो सॉफ्ट दही और थिंक दही। इसमें आपको सॉफ्ट दही बनाने के लिए जब इधर आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, जब सॉफ्ट सिलेक्शन करेंगे आपको 6.5 घंटा जब हो जाएगा ऑटोमेटिक इधर आपको सॉर्ब लिख देगा, क्योंकि आपको दही तैयार हो गया। आप सेम टाइम से ला के भी इधर से खा सकते हैं, नहीं तो इसमें आपको 3 दिन तक भी इसमें आपको फ्रेशनेस मिल सकता है कॉर्ड। और थिंक में देखेंगे तो आपको 7.5 घंटा लगेगा, 7.5 घंटा जब हो जाएगा इसमें आपको सॉर्ब ऑप्शन लिख देगा। आप भी ये सेम प्रोसेस है, सेम टाइम ला के भी खा सकते हो, विथ 3 दिन तक इसमें आपको फ्रेशनेस कोड मिल सकता है। फ्रेंड्स हम लोग सोच रहे हैं घर में भी दही बना सकते हैं कि नहीं, आप घर पे भी बनाते हैं दही, क्योंकि कभी खट्टा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है, कभी दही नहीं बन पाता है सही से। इसमें आपको 365 डे कभी जब भी आप दही बनाएंगे आपको सेम टेस्ट मिलेगा इसमें आपको दोस्तों। मार्केट से आपको ख़रीद करके
दही खाते हैं तो इसमें आपको मिक्सिंग दूध में बना होता है जो कर्ड, इसमें आपको घर का दूध में भी कुछ भी अपना अकॉर्डिंग हिसाब से इसको आप कर्ड बना सकते हैं फ्रेंड्स। इसका वेजिटेबल बॉक्स बहुत बिगर साइज में मिल जाता है फ्रेंड्स, इसमें आपको अप टू 15 डेज भर जाता है कि इसमें आपको सब्जी वगैरह का फ्रेशनेस रखेगा। इसका रियाक्ट सेक्शन आप देख, इसमें अच्छा चीज़ और भी एक दोस्तों है, इसमें आपको डिओडाइजर फिल्टर मिल जाता है। डिओडाइजर का फिल्टर का काम क्या होता है ना दोस्तों, आप कुछ नॉन वेज आइटम वगैरह रखते हैं तो फ्रिज खोलने का टाइम में वो स्मेल आता है दूसरा दिन में आप देखेंगे तो, इसमें वो चीज़ नहीं रहेगा क्योंकि इसमें आपको डिओडाइजर फिल्टर मिल जाता है। जो भी कुछ भी स्मेल होगा तो ऑटोमेटिक ऑब्जर्व कर लेगा बैड स्मेल को, आपको जो कभी भी डोर ओपन करेगा तो आपको फ्रेशनेस से यार आपको इधर मिल जाएगा फ्रेंड्स। ये फ्रिज खरीदने का जो सेवन रीजन अभी आपको बता देते हैं मैं। इसमें आपको अप टू 15 डेज तक फ्रेशनेस मिलेगा, कुछ फ्रूट्स आइटम रखते हैं तो सब्जी वगैरह। इसमें आपको 6 स्मार्ट सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा, अप टू 8,640 रुपया इसमें आपको एनर्जी सेव कर सकते हैं क्योंकि आप ऊपर सेक्शन को ऑफ करके नीचे सेक्शन को भी आप यूज कर सकते हैं, जब वो नीचे सेक्शन ऑफ कर लेगा इसमें आपको इलेक्ट्रिक सेविंग मिल जाएगा फ्रेंड्स, और नीचे सेक्शन भी ऑफ कर सकते हैं। इसमें आपको 5 मोड मिल जाता है जो कि कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं, और इसमें आपको 70% मॉइस्चर फुल फ्रेशनेस आपको मिल जाता है। इसमें अप टू 31% फास्टर आइस कूलिंग मिल जाता है, और रन सब होम इन्वर्टर में भी फ्रेंड्स इसको आप चला सकते हैं। मैं एक लाइव कन्वर्टेबल अपना अकॉर्डिंग हिसाब से इसको कन्वर्ट करके चलाया है दोस्तों। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि ऐसे ऐसे नया नया प्रोडक्ट इस चैनल में आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।